आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को टेलीफोन। IMF की MD ने वजीर आजम से पेरिस में मुलाकातों के तनाजुर में वजीर खजाना और उनकी टीम की IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ किया। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहानगी एक दो रोज में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ के इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। आपको बताएं कि तारिक चौधरी, आगाह कीजिएगा, एक बार फिर टेलीफोनिक राबता हुआ है IMF से? जी, प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया है उसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले एक दो रोज में IMF सेक्रेटरी पर पहुंच जाएगा और प्राइम मिनिस्टर ने जो है खुशमदी जाहिर की है कि फैसला पाकिस्तान फेवर में होगा। आज बातचीत हुई है IMF MD के साथ, उसके बारे में इतना ये है कि आज सुबह टेलीफोन पर रब्ता हुआ था जिसमें जो कोशिशें की है पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम की जो शराइत थी उसको फॉलो करने के हवाले से और इस बार पूरे करने के हवाले से उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो माशी बेहतरी है उसके लिए IMF जो है भरपूर आगाह है और उन कोशिशों से भी आगाह है और जो IMF पाकिस्तान उसको प्लान दिया है उससे भी अग्री करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो माशी सूरत हाल है उसमें जो अहदाफ दिए गए थे उनको भी पाकिस्तान ने पूरा किया है। इन सारी बातों और रातों के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो बयान है उसमें ये उम्मीद जाहिर की है कि अगले दो रोज में इस हवाले से ब्रेकथ्रू होगा और जो है वो IMF का फैसला सामने आ जाएगा। प्रोग्राम के निकात पर हम आहानगी एक दो रोज में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में